आपसे ये समझना चाहती हूं कि लव प्रेम इट्स ऑल इन द माइंड, तो हमारे थॉट प्रोसेस को प्रेम बदलता कैसे है, ये जो ये पूरा केमिकल कॉम्बिनेशन है वो कैसे मटेरियलाइज होता है? देखिए, जो आजकल नया रिसर्च हो रहा है वो हमें बता रहा है कि पहले हम मजाक करते थे कि जब कोई दिखेगा तो आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी, ये एक मजाक के तरीके से हम बताते थे स्पेशली हमारी पिक्चरों में। अभी हम जो देखते हैं कि अगर हम ब्रेन स्कैन्स कर रहे हैं लोगों के, तो उसका अगर आपको समझो किसी से सच में प्यार होता है तो एक्चुअली आपके कोई एरियाज ब्रेन में, उनके कनेक्शंस हम देखते हैं कि उनके सर्किट्स होते हैं और वो सर्किट्स एक्चुअली दे गेट लिट अप, ओके। और कोई ऐसे सर्किट्स होते हैं जहां पे सर्कुलेशन कम होती है, तो अभी सब कुछ जो भी हो रहा है एक्चुअली वो ब्रेन में हो रहा है। और ये जो ब्रेन में सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं, उनके एक्टिवेशन के बाद कोई केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो केमिकल्स से हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी ऐसा क्यों होता है कि किसी को देख के वो केमिकल्स रिलीज होते हैं और किसी को बिल्कुल देख के वो केमिकल्स रिलीज नहीं होते हैं? हमारे पास एज रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स बहुत से कपल्स आते हैं, 10 साल हो चुके हैं शादी के, मगर कोई अट्रैक्शन नहीं है। और इसमें हम देखते हैं कि देर आर 2-3 थिंग्स जिससे ये ब्रेन के केमिकल्स एक्टिवेट होते हैं। एक तो अगर आपको किसी के लिए अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। दूसरा इमोशनल अट्रैक्शन है, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट करते हो, और तीसरा हाउ डू यू फील, अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है। तो समझो अगर एक कोई भी अगर समझो लड़की या लड़का कोई इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा है, ओके, उसे किसकी जरूरत है, उसे थोड़े से इमोशंस की जरूरत है, उसे टच की जरूरत है, और उसे ऐसा कोई चाहिए जो उसकी बात सुने और उसे समझे। जब ये होता है तो ब्रेन की कोई सर्टेन केमिकल्स एक्टिवेट होते हैं जिससे हमारी अट्रैक्शन और तेज हो जाती है। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट जो आजकल हम देख रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे अगर हम प्लास्टिक पाइप्स बना के कहाँ फिट करते हैं, सिमिलरली हमारे ब्रेन में भी वो ताकत है कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व्स हैं, वो एक प्लास्टिक के जैसे एक नए कनेक्शंस बनाते हैं। और जब ये रास्ता बनता जाता है, वैसे हम देखते हैं कि ये लोगों में एक पॉजिटिव चेंज आती है और वो अलग अलग लोगों से अच्छे रिलेशनशिप्स बना सकते हैं।